हीरा चास 13 सितंबर 2022 कुंज बिहार बसेरा की रहने वाली वादिनी लक्ष्मी देवी चीरा चास अपने बेटे को एनजीएम स्कूल छोड़कर अपने घर स्कूटी से आ रही थी। इसी दौरान पांडे पुल के पहले धोबी टोला के सामने सुबह करीब 9 बजे दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधी द्वारा उनके गले में पहने सोने का चेन छीन कर चीरा चास की तरफ भाग गए। दोनों मोटरसाइकिल सवार अपराधी के द्वारा उसी दिन सेक्टर 3 बोकारो में एक बुजुर्ग महिला अहिल्या देवी के गले से भी सोने का चेन छीना गया, जिसका आधा टुकड़ा ही उनके हाथ लगा। उक्त दोनों घटना के बाद पुलिस अधीक्षक बोकारो के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह सदर चास के नेतृत्व में लगातार छापेमारी किया जा रहा था। इसी कांड का उद्भेदन करते हुए संलिप्त अपराधी को धर दबोचा गया। अपराध में प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल GH10CK2740 साथ ही लक्ष्मी देवी के पास से छीने गए सोने का चेन, नेहा ज्वेलर्स के मालिक अमित कुमार के पास से करीब 3.8 ग्राम सोने का टुकड़ा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सद्दाम अंसारी उम्र 26 साल, सफीक अंसारी उम्र 24 साल, अमित कुमार स्वर्णकार उम्र 25 साल तीनों धनबाद के रहने वाले। पूरी घटना को बता रहे हैं पुरुषोत्तम कुमार सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। 2022 को सिटी थाना क्षेत्र एवं चास थाना क्षेत्र में दो छिनतई की घटनाएं हुई थी, जिसका सफल उद्भेदन बोकारो पुलिस के द्वारा कर लिया गया। इसमें कुल 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक सोने का चेन 14 ग्राम वजन करीब और एक सोने का ढेला, गलाया हुआ ढेला करीब 4 ग्राम का बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद कर लिया गया। ये सर कहाँ से गिरफ्तारी हुई? इनकी गिरफ्तारी कतरास थाना क्षेत्र धनबाद से हुई है। और भी इसमें अभियुक्त थे? नहीं, इसमें कुल 3 लोग शामिल थे, 2 लोग जो घटना में शामिल थे और तीसरा जो स्टोलन प्रॉपर्टी का रिसीवर था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पहले से ही मामला था सर? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास रहा है, उसको हम लोग निकलवा रहे हैं, अभी जांच कर रहे हैं। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।